नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको उत्तराखंड के प्रमुख जिले और तालों के बारे में बताया था, और हमने कल ही जो कुमाऊं क्षेत्र की झीलें थी उनके बारे में जाना था, उनकी विशेषताओं के बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज जो हम बात करेंगे वो गढ़वाल क्षेत्र की झीलों के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड जो गढ़वाल क्षेत्र की जिले हैं सबसे पहले उनको मैप में इंडिकेट करके बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके मैं उनके जो विशेषता है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं उत्तरकाशी जो जनपद है वहां पे स्थित झीलों को। जो पहले झीले उत्तरकाशी जनपद में नचिकेता, नचिकेता ताल जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दूसरा डोडी ताल, तीसरा जो है काणा ताल। नचिकेता ताल, डोडी ताल, काणा ताल, फाजकंडी बया ताल, फाज कंडी या बयाताल भी इसे कहा जाता है। फातकंडी बयाताल ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद अगला केदारताल, केदारताल भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला जो है भरासड़ताल, अगला रोही साड़ा, रोही साड़ा ताल ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला जो है खीड़ा ताल, और लामा ताल, ये सभी जो झीले हैं ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। एक और ये जो देवसाड़ी ताल है ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो प्रमुख झीलें हैं उनको मैंने मैप में इंडिकेट करके आपको बताया है, जो नचिकेता ताल, डोडी ताल, काणा ताल, फाजकंडी या बया ताल, केदार ताल, भरासड़ ताल, रोही साड़ा ताल, खीड़ा ताल, लामा ताल और देवसाड़ी ताल, ये जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख झीले हैं या ताल हैं। अब अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कौन कौन सी झीले या ताल हैं, तो रुद्रप्रयाग में स्थित देवरिया ताल, पहला जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित ताल है वो देवरिया ताल है। दूसरा बधाणी ताल, बधाणी ताल, और तीसरा जो है सर्वदी ताल। सर्वदी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है या गांधी सरोवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करते हैं टिहरी जनपद में स्थित जो झीले हैं, तो पहला मंसूर ताल, मंसूर ताल ये टिहरी जनपद में स्थित है। दूसरा सहस्त्र ताल ये भी टिहरी जनपद में स्थित है। अगला जो अप्सरा ताल या इसी को अक्षरी ताल भी कहा जाता है, अक्षरी ताल, अप्सरा ताल या अक्षरी ताल जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। इसके बाद भिलंग ताल, और वासुकी ताल
वासुकी ताल का आधा जो हिस्सा है वो टिहरी जनपद में पड़ता है और आधा हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। पर इसका जो वासुकी ताल का जो अधिकांश क्षेत्र है, अधिकांश भाग है, वो टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। तो ये हमने बात करी टिहरी जनपद की प्रमुख झीलों के बारे में। इसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के चमोली जनपद के प्रमुख झीलों के बारे में। तो चमोली जनपद में जो चमोली जनपद है, इसको गढ़वाल क्षेत्र का या गढ़वाल का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। जैसे कुमाऊं क्षेत्र का वेस्ट मोरलैंड नैनीताल जनपद को कहा जाता है। वेस्ट मोरलैंड का अर्थ होता है जहां झीलों या तालाबों की अधिकता पाई जाती है, उस क्षेत्र को वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। तो कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड, नैनीताल और गढ़वाल का वेस्ट मोरलैंड चमोली जनपद। तो चमोली जनपद के तालों के बारे में जानते हैं। पहला जो रूपकुंड ताल, चमोली जनपद में स्थित पहला ताल कौन सा है? रूपकुंड। दूसरा हेमकुंड ताल, हेमकुंड। तीसरा होमकुंड, पहला रूपकुंड, दूसरा हेमकुंड, तीसरा होमकुंड। अगला सतोपन, सतोपंत या इसी को सत्यपद ताल के नाम से भी जाना जाता है। सत्यपद ताल सतोपंत का ही दूसरा नाम है। अगला जो सुखताल, झलताल, अगला काकभुसंडी ताल, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद कोहना ताल, मातृका ताल, ये सभी चमोली जनपद में स्थित प्रमुख झील हैं। अगला लिंगा ताल या इसे आंचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। लिंगा या आंचरी ताल। तो ये चमोली जनपद के जो प्रमुख झील हैं या ताल हैं, उनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं देहरादून जनपद में स्थित जो प्रमुख झीलें या ताल हैं। तो पहला जो है चंदबाड़ी ताल, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। अगला कांसरो ताल, कांसरो ताल भी देहरादून जनपद में स्थित है। देहरादून जनपद में केवल दो ही ताल पाए जाते हैं। दूसरा हरिद्वार जनपद की बात करते हैं, तो हरिद्वार जनपद में एकमात्र जो ताल है वो दिव्य सरोवर ताल, जो कि विल्व पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार जनपद का एकमात्र ताल। बात करते हैं पौड़ी जनपद में स्थित जो झीलें हैं। तो सबसे पहले दुग्ध ताल पौड़ी जनपद में स्थित है। दूसरा गुल्ला ताल, ये भी पौड़ी जनपद में स्थित है। और तीसरा जो ताराकुंड, ये भी पौड़ी जनपद में स्थित है। तो ये गढ़वाल क्षेत्र के झीले हैं, जिनको मैंने आपको जनपद वाइज बताया कि कौन सी ताल किस जनपद में स्थित है। अब अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो जो दिव्य सरोवर है, इसका मैंने आपको बता दिया कि ये हरिद्वार जनपद में स्थित है और विल्व पर्वत पर स्थित है। यह ताल जो है विल्व पर्वत पर
स्थित है। दूसरा अगर हम चंदवाड़ी ताल की बात करते हैं जो देहरादून जनपद में स्थित है, तो चंदवाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल चंदवाड़ी ताल को कहा जाता है जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। अगर हम बात करते हैं डोडी ताल की जो कि जिसकी स्थिति उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो ये डोडी ताल इसका जो आकार है ये 6 कोनों वाला ताल कहा जाता है। इसे 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है जिसे 6 कोनों वाला ताल के नाम से जाना जाता है। तथा ये जो डोडी ताल है ये सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अधिक मात्रा में जो रंग बिरंगी या अधिक सुंदर जो मछलियां होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसकी यहीं से जो भागीरथी नदी जिसकी शायद अस्सी गंगा नदी का उद्गम स्थल भी डोडी ताल से ही होता है। दूसरा जो ये डोडी ताल है इसके चारों तरफ चारों ओर आपको बांज के बुरांस के आदि जो भोजपत्र वगैरह के जो वृक्ष हैं इसके चारों ओर आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो ये डोडी ताल है इसी डोडी ताल के कुछ दूरी पर जो दूसरा ताल देखने को मिलता है वो कान्हा ताल, जो कि इसमें जल नहीं मिलता है, बिना जल वाला ताल कहा जाता है इसे कान्हा ताल, या इसे अंधा ताल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वदी ताल की। तो जो सर्वदी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, इसको चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1948 में इस सरोवर में इस ताल में जो गांधी जी थे उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसी कारण इस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो बात कर रहे हैं हम रूपकुंड ताल की, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो रूपकुंड ताल ऐसा माना जाता है कि जो ये रूपकुंड ताल है इसका निर्माण शिव और पार्वती ने किया था। इसका तो जो पार्वती जी थी उन्होंने अपने सौंदर्य का जो आधा भाग था वो इसी कुंड में छोड़ दिया था। एक जो दूसरी मान्यता है या जो ऐतिहासिक तथ्य है कि इस रूपकुंड झील में जो राजा यश धवल था और उसकी पत्नी रानी बल्पा थी और साथ में उनके जो सैनिक थे उनके जो कंकाल हैं वो आज भी इस कुंड में देखने को मिलते हैं। इसी कारण इस कुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसी रूप कुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो ताल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होमकुंड ताल। मैं आपको जो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो कुंड हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे हैं हम होमकुंड ताल या झील की। तो ये जो होमकुंड झील है ताल है इसमें जो माँ नंदा देवी है जो नंदा देवी मेला लगता है 12 वर्ष के अंतराल पर, तो जो माँ नंदा देवी का डोला होता है वो इसी होमकुंड के पास एक चबूतरा बना हुआ है वहां पे रखा जाता है। और यहीं से जो नंदा देवी राज जाती है शामिल होने वाला जो मेढ़ा होता है या खाडू होता है वो यहाँ से आगे अकेला जाता है, उसके यहाँ से अकेला छोड़ दिया जाता है।
अब बात करते हैं हेमकुंड की। हेमकुंड या इसका जो दूसरा नाम है, इसे लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। जो लोकपाल या हेमकुंड ताल है, इस झील के किनारे पे सिखों के दसवें गुरु, सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, और यहीं पर इसी हेमकुंड के पास में एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, हेमकुंड साहिब का। तथा इसी हेमकुंड के निकट लक्ष्मण जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। दूसरा, अगर बात करते हैं कि अगर कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी झील है जो सात पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो वो नैनीताल झील थी। और गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र की कौन सी झील है कि जो सात पहाड़ियों से घिरी है, तो वो हेमकुंड जो ताल है या झील है, ये भी सात पहाड़ियों से घिरी हुई है। तथा इसी हेमकुंड जो झील है, सरोवर है, यहीं से अलकनंदा की जो सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, उसका उद्गम भी इसी हेमकुंड झील ताल से होता है। आगे बात करते हैं सतोपंत या सत्यपद ताल की। सत्यपद ताल इसी सतोपंत झील का दूसरा नाम है। इस जो सत्यपद ताल है, इसके तीन कोने हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं तीन कोनों में ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, इन तीन कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या करी थी। दूसरा, इसी ताल के निकट में स्वर्गारोहिणी पर्वत स्थित है। स्वर्गारोहिणी पर्वत, यही इसी स्वर्गारोहिणी पर्वत के रास्ते जो पांडव थे, उन्होंने स्वर्ग गए थे इसी स्वर्गारोहिणी पर्वत के रास्ते। अगला, इसी सत्यपद ताल के निकट ही आपको दो कुंड देखने को मिलते हैं या दो ताल देखने को मिलते हैं, एक सूर्य कुंड और दूसरा चंद्र कुंड। ये दोनों कुंड सत्यपद ताल के निकट हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अलकनंदा नदी का उद्गम भी यही है सत्यपद ताल या सतोपंत ताल, यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अगर हम बात करते हैं बेनीताल जो कि चमोली जनपद में स्थित है, यहाँ जो चमोली जनपद में नंदा देवी का मंदिर है, वह इसी बेनीताल के निकट स्थित है। अगला, जो ये लिंगा ताल है या इसे आचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी अगर हम स्थिति की बात करते हैं ये लिंगा ताल की, तो ये फूलों की घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी में स्थित जो ताल है वो एकमात्र कौन सा है, लिंगा ताल। ये इसे आचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हिमालय की जो आचरी है या परियां हैं, वो इस ताल में स्नान करती हैं, इस कारण इसका नाम आचरी ताल कहा गया है। अगला, जो मातृका ताल है, मातृका ताल इसे देवी का ताल भी कहा जाता है इसको, या मातृ शक्ति का ताल भी इसको कहा जाता है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगली जो बात करते हैं फाजकंडी बयाताल, फाजकंडी या बयाताल इसी का दूसरा नाम है। तो इसका जो जल होता है वो हमेशा उबलता रहता है, खौलता रहता है, मतलब गर्म होता है, इसका जल हमेशा उबलता रहता है, जो कि इसकी स्थिति उत्तरकाशी जनपद में है। अगर हम बात करते हैं देवरिया ताल की, देवरिया ताल जिसकी स्थिति रुद्रप्रयाग जनपद में है, इस जो देवरिया ताल है
इस ताल में जो चौखंबा पर्वत शिखर है इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी ताल के ऊपर बनता है। देवरिया ताल के ऊपर चौखंबा जो पर्वत शिखर है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। अगला, जो इस देवरिया ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसी देवरिया को पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि महाभारत के जो जब महाभारत में जब पांडव वन में गए थे तो उनमें वन में जो उनसे सवाल पूछने वाला यक्ष था वो भी इसी देवरिया ताल में रहता था और इसी देवरिया ताल के निकट हर जन्माष्टमी में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का मेला, प्रसिद्ध मेला लगता है। ये तो हमने बात करी देवरिया ताल की। अगर हम बात करते हैं सहस्त्र ताल की स्थिति उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। ये जो सहस्त्र ताल है ये कई तालों का समूह है, बहुत सारे ताल इसके निकट स्थित है, तो ये सारे तालों को मिलाकर इसका एक नाम दिया गया सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है तो वो भीम ताल। अगर सबसे गहरी ताल की बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की वो नौकुचिया ताल। वैसे ही अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है या सबसे गहरा जो ताल है वो कौन सा है तो वो सहस्त्र ताल है। अगला बात करते हैं यम ताल की। तो यम ताल जो कि टिहरी जनपद में स्थित है, ये यमताल हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। कई बार पेपरों में पूछा भी गया है ये वाला प्रश्न कि उत्तराखंड की जो कौन सी ताल है या कौन सा झील है कि जो हमेशा या सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो वो यमताल है। अगला जो महासर ताल की स्थिति भी टिहरी जनपद में स्थित है। जो महासर ताल है इसका जो आकार है दो कटोरे नुमा है, कटोरे नुमा दो झीलें हैं अगल बगल में जिनको भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो वासुकी ताल की स्थिति टिहरी जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी ताल में जो अधिकांश भाग है वो टिहरी जनपद में पड़ता है, इसीलिए अक्सर इसकी जो स्थिति बताई जाती है वो टिहरी जनपद में ही बताई जाती है। वासुकी ताल, इसका जो जल का रंग है, इस वासुकी ताल के जल का रंग लाल रंग का है और जो ये वासुकी ताल है इसकी जो कथा है वो वासुकी नाग से जुड़ी हुई है और इसी ताल में आपको नीले रंग के कमल देखने को मिलते हैं। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, नीले रंग के कमल के लिए यह ताल प्रसिद्ध है। कौन सा? वासुकी ताल। अगर हम बात करते हैं मंसूर ताल जो कि टिहरी जनपद में स्थित है, इसी मंसूर ताल में आपको राजहंस देखने को भी मिलते हैं। राजहंस जो पक्षी है वो इसी मंसूर ताल में बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो भिलंगना नदी की सहायक नदी है दूध गंगा, वह इसी ताल के निकट मंसूर ताल के निकट इसका जो उद्गम होता है दूध गंगा नदी का, और दूध गंगा जो है वो भिलंगना नदी की सहायक नदी है। तो मैंने आज आपको उत्तराखंड में स्थित जो गढ़वाल क्षेत्र की जिले हैं उनके बारे में बताया, जो इनके जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, जो फैक्ट थे, उनको भी मैंने आपको इसमें बताया है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल
मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।